गुड मॉर्निंग। आज हम परासरण दाब के माध्यम से किसी भी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय है उसके मॉलिक्यूलर वेट के अणु भार का या मोलर संयंती जिसको हम कहते हैं उसका क्या करेंगे, परिकलन करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन हमने परासरण दाब में पढ़ा था कि उसके लिए वॉन टॉप फॉर्मूला क्या था परासरण दाब का, कि पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये वॉन टॉप समीकरण पढ़ी थी हमने परासरण दाब के लिए। यहां पर पाई क्या है परासरण दाब का मान, वी क्या है आयतन विलयन का जिसके अंदर हमने क्या मिला रखा है, विलय घुला हुआ है। कितना आयतन ले रखा है उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब। एन क्या है उसके मोल किसके, विलय के। आर क्या है कांस्टेंट है और टी क्या है टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हमने इसके अंदर क्या मिला रखा है ये विलयन, विलय मिला करके विलयन बनाया वो ताप है। अब एन क्या है ये विलय के मोलों की संख्या कि कितने मोल इसमें मिला रखे हैं, और हमें पता है कि मोल क्या होता है ग्राम में बार। किसी भी विलय के मोल क्या होंगे उसका ग्राम में बार बटा उसका अणु भार। ग्राम में बार हमने किसने लिख, किससे लिख दिया सपोज W1, और अणु भार को हमने किससे लिख दिया M1। ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि ग्राम में भार की विलेय के कितने ग्राम हमने इस विलयन में मिला रखे, तो कितने ग्राम मिला रखे ये हमें दे रखा है 1.5 ग्राम। तो इसकी मात्रा, इसकी वैल्यू हमारे पास है नीचे क्या है अणु भार। हमें निकालना क्या है कि जो ये 1.5 ग्राम विलेय इस विलयन के अंदर मिला हुआ है इस विलेय की मोलर संयंती यानी कि अणु भार का मान क्या क्या होगा, यानी कि कैलकुलेट क्या करना हमें एम वन। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फाइव इक्वल्स टू डब्ल्यू वन अपॉन एम वन आर टी। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई के परासरण दाब कितना, परासरण दाब 2.4 एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, 2.04 वायुमंडल के एटमॉस्फेयर एटीएम। भार कितना है W1, W1 क्या है विलेय की मात्रा ग्राम में बार विलेय का, कितने ग्राम दे रखा हमें 1.5, तो यहां पर कितना जाएगी 1.5 ग्राम। M1 विलेय का अणु भार मोलर संयंती, ये हमें क्या करना है अननोन है इसको हमें कैलकुलेट करना है। आर क्या है स्थिरांक है जिसका मान कितना दे रखा है 0.082 डायमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू। टी टेम्परेचर कितने केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, 298 केल्विन 298। सबकी वैल्यू आ गई, क्या निकालना है हमें ये M1। ये तो M1 बराबर क्या होगा W1 R T
अपॉन पाई वी, पाई वी नीचे जाएगा, ये एम वन कैलकुलेट कर लेंगे, डब्ल्यू वन की वैल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार हमने कितना ले रखा है इसमें 1.5, आर का मान कितना है 0.082 इंटू 0.082, टेम्परेचर कितना है हमारा 298 केल्विन, तो इंटू 298 अपॉन पाई पराशर ताप, कितना है पराशर ताप 2.04 एटमॉस्फेरिक, 2.04 इंटू आयतन कितना ले रखा है इसका, विलयन का आयतन कितना है वी 100 सेंटीमीटर, वी कितना हमारा 100 सेंटीमीटर, तो वी कितना हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर, सबकी वैल्यू आ गई। तो अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसका मान आ जाएगा एम वन का, सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 179.9 ग्राम पर, ये हमारा क्या आ गया इसका M1, यानी कि इसका अणु भार। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका अणु भार कैलकुलेट कर लिया। अब हम परिकलित क्या करेंगे, परासरण दाब, एक विलयन दे रखा है, उस विलयन में हमने क्या मिला रखा है अवाष्पशील विलेय शुगर मिला रखी है कैन शुगर, उस विलयन का हमें क्या निकालना है परासरण दाब। तो परासरण दाब के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वन दाब समीकरण पाई इक्वल्स टू एम आर टी, पाई हमें पता है क्या होता है परासरण दाब, वी क्या है, वी क्या है विलयन का आयतन, एन क्या है उसके मोलों की संख्या यानी कि उसका भार बटे अणु भार, आर क्या है स्थिरांक है जिसकी वैल्यू दे रखी है, और टी क्या है परम दाब। तो पाई कैलकुलेट क्या करना है हमें, परासरण दाब पाई एन आर टी अपॉन बी, एन क्या है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या क्या होती है, क्या बताया था भार बटे अणु भार, तो क्या होगी ये पाई इक्वल्स टू एवन इंटू वी, ये होगी। अब यहां पर डब्ल्यू वन यानी कि विलेय की मात्रा कितनी है 10%, 10% का मतलब कि अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन है तो उसमें हमारा विलेय कितने ग्राम घुला हुआ है 10 ग्राम, 100 में कितना होगा 10, कितना हो गया ये हमारा 10 ग्राम, या किलोग्राम कितना हो गया ये 1 किलोग्राम। आर की वैल्यू कितनी है दे रखी हमें, ये 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, टी कितना है हमारा 298 केल्विन,
एम वन, मोलर शक्ति कितनी इसकी 342 ग्राम पर मोल या 0.342 किलोग्राम पर मोल। आयतन कितना हमारा 10% है, यानी कि 100 मीटर क्यूब में कितने ग्राम बोला हुआ था 10 ग्राम, 100 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-6 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 1×10^-4 मीटर। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, किस में रख देंगे, इस फॉर्मूले में, यहां पर रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो पाई बराबर क्या हो गया हमारा, W1 की वैल्यू कितनी है 0.01, इंटू R की वैल्यू कितनी है 8.31, T कितना हमारा 298 केल्विन, अपॉन M1 कितना है 0.342, आयतन कितना है हमारा 1×10^-4, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, Newton meter cube। ये क्या आ गया हमारा पाई की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके पराक्रम दाब को कैलकुलेट कर लिया। अगर हमारे पास कि कितना विलेय है और कौन सा विलेय, ये अगर हमें पता होता है, विलेय की मात्रा पता हो और कि कौन सा विलेय मिला हुआ है इसके अंदर उसके बारे में पता हो, तो फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, हम उस विलयन का, विलयन की मात्रा पता हो तो हम उसमें उपस्थित विलेय है उसके अणुभार का, सॉरी जो विलयन है उसके परासरण दाब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के न्यूमेरिकल थे। एक में हमने क्या कैलकुलेट किया था कि परासरण दाब दे रखा था तो अवाष्पशील जो विलेय था उसकी मोलर शक्ति का परिकलन किया था, और दूसरा मोलर शक्ति दे रखी हो, विलेय की मात्रा दे रखी हो, विलेय की मात्रा दे रखी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, परासरण दाब का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।